नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। बॉक्सिंग के लिए, भारत के लिए आज का दिन कुछ अच्छा रहा है। जी हाँ, भारत की महिला मुक्केबाज और एशियाई चैंपियन पूजा रानी ने शानदार जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी ने अल्जीरिया के बॉक्सर को धूल चटा दी है। 75 किलो वर्ग में पूजा रानी ने अल्जीरियाई बॉक्सर को 5-0 के अंतर से हराया है और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जी हाँ, मिडिलवेट वर्ग के राउंड ऑफ 16 में अल्जीरिया की इचरक चायेब पर 5-0 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में पूजा रानी ने प्रवेश कर लिया है और अब मेडल दिलाने से पूजा रानी सिर्फ एक जीत बाकी है। पूजा रानी टोक्यो में पहला मैच जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, वहीं भारत की पूजा रानी टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज बन गई है। पूजा से पहले लवलीना बोरगोहेन ने मंगलवार को महिला वेल्टरवेट स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पूजा रानी अब अंतिम 8 में जगह बनाने वाली दूसरी मुक्केबाज भी बन गई है। इसके अलावा भारत की दिग्गज मुक्केबाज जिन पर सभी की निगाहें हैं, नाम है MC मैरी कॉम ने भी अपना शुरुआती दौर जीता और अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए गुरुवार को मुकाबला MC मैरी कॉम भी करेंगी। गौर हो, पूजा रानी एशियाई चैंपियन है और वो ऐसी पहली मुक्केबाज इस साल बनी थी जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटाया था। इसके बाद एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि दुबई में आयोजित हुआ था, वहां पर भी पूजा रानी ने शानदार जीत हासिल की। इससे पहले भी उन्होंने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो पूजा रानी से उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में वो एक गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज, भारत को एक मेडल पूजा रानी जरूर दिलाएंगी। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।